कहा जाता है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, दाने पर किसी की जाति या मजहब का नाम नहीं लिखा होता। लेकिन इन्हीं दानों को खाने वाला इंसान इसमें रंग, मजहब, जाति और कौम तक खोज लेता है और नए नए विवादों को जन्म देता है। जी हाँ, हाल ही में एक और विवाद सुर्खियों में है, वो भी जोमैटो से जुड़ा हुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहाँ आशियाना इलाके में एक परिवार ने जोमैटो का ऑर्डर लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि डिलीवरी बॉय दलित था। डिलीवरी बॉय विनीत रावत ने कहा कि मैं दलित हूँ, इसलिए उन्होंने डिलीवरी नहीं ली और पिटाई भी की। वहीं जोमैटो डिलीवरी बॉय विनीत रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार रात वो आशियाना में ही एक डिलीवरी देने के लिए गया था। जब वो डिलीवरी वाली जगह पहुंचा तो ऑर्डर देने वाले अजय सिंह घर से बाहर निकले और जब उन्हें पता चला कि वो दलित है तो उन्होंने खाने का पैकेट ये कहकर फेंक दिया कि दलित का छुआ नहीं खाएंगे। इसके बाद विनीत ने कहा कि अजय सिंह ने उसके ऊपर पान मसाला थूक दिया। इस पर विनीत ने विरोध किया तो अजय और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने मिलकर उसकी पिटाई की। वहीं मामले में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि शनिवार रात विपिन रावत ऑर्डर लेकर कस्टमर के घर पहुंचा तो अजय सिंह अपने रिश्तेदार को घर छोड़ने जा रहे थे। वो जैसे ही घर से निकले जोमैटो डिलीवरी बॉय विनीत पहुंच गया। विनीत ने उन्हीं से उनके घर का पता पूछा। अजय ने घर का पता बताने के लिए मुंह में खा रहे मसाले को थूका तो उसकी छींटे विनीत पर पड़ गई। इस पर डिलीवरी बॉय विनीत ने अजय को गाली दे दी। इसी बात पर अजय और उनके घर वालों ने मिलकर विनीत की पिटाई कर दी। हालांकि मामले में पुलिस ने डिलीवरी बॉय के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि दो पक्षों में गाली देने को लेकर सिर्फ झगड़ा हुआ था, इसे जानबूझकर पीड़ित द्वारा दलित एंगल दिया जा रहा है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। खैर, जोमैटो, स्विगी जैसे कई फूड डिलीवरी कंपनियों की ओर से ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज के मॉडर्न एरा में आज भी हम लोग खाना पानी की चीजों को छोड़कर जात पात खोज लेते हैं। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।